मैं सत्य प्रकाश एक छोटे से गांव में जन्मा, पला और बड़ा हो गया। आज शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस जा रहा हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारा गांव कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली, फूल, पौधे, पक्षी, गाय, बकरियाँ और बादलों से भरा आसमान, बिल्कुल एक कैनवस पर चित्रित एक पेंटिंग की तरह। माँ, ये मेरा दोस्त है। मुझे प्रणाम। जीते रहो बेटा, कैसे हो? मैं बढ़िया। सत्या, तू तो शाम को आने वाला था ना? हाँ, मैं शाम को ही आने वाला था, लेकिन पहली ट्रेन की टिकट मिल गई तो जल्दी आ गया। ये तूने बहुत अच्छा किया। तू कैसा है बेटा? 6 साल हो गए, तुझे हमारी याद नहीं आती? 6 साल कहाँ माँ, हर साल तो एक चक्कर लगाता हूँ। वो आना भी कोई आना है, 2-3 दिन के लिए आना, फिर वापस चले जाना। अब तू गाँव में ही कोई काम धाम कर ले, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। अरे माँ, अब मैं यहीं रहूँगा तुम लोगों के साथ अपने ही गांव में। सच? तू अब यहीं रहेगा हमारे साथ? हाँ माँ। हमारे गांव में? हाँ। अजी सुनते हो, हमारा सत्य अब यहीं रहेगा हमारे साथ। अरे बसरी कर भाग्यवान, बच्चे अभी अभी आए हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर, बातें तो बाद में होती रहेंगी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पिताजी ये मेरा दोस्त है गोविंद, शहर में हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। कौन गाँव से हो बेटा? चाची गोविंद अपने ही गांव का है, वो बड़ी हवेली है ना, बड़ी हवेली वालों का ही पोता है। बड़ी हवेली? हाँ। कहीं तुम श्यामचरण काका के पोते तो नहीं? जी मैं उन्हीं का पोता हूँ। बड़े भाई साहब तो अक्सर आते रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे और उनके बच्चों से परिचित हूँ। तुम शायद उनसे छोटे राकेश के बेटे? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। गाँव घूमने आए हो? जी हाँ। अच्छा किया बेटा, शहर और गाँव के जीवन में बहुत अंतर है। अब तुम कुछ दिन यहाँ रहोगे, यहाँ के जीवन से परिचित हो जाओगे और यहाँ के लोगों से भी। बैठो बेटा। धन्यवाद बेटा। सत्या, अब तेरी MBA की पढ़ाई भी पूरी हो गई, कहीं कोई नौकरी लगी क्या या अर्जी दी है? पिताजी एप्लीकेशन तो मैंने बहुतों कंपनी में दी है और जॉब होने के भी पूरे चांसेस हैं, लेकिन कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि अब गांव में सेटल हो जाऊँ, आखिर अपने गांव और अपने घर वालों के प्रति मेरा भी तो कोई कर्तव्य बनता है। पर बेटा, इस गांव में रोजगार कहाँ रखा है और ना ही उसकी कोई संभावना। अब तुम पढ़ लिख कर बड़े हो गए हो, उचित अनुचित की तुम्हें पूरी जानकारी है, ज्ञान है, जो तुम्हें उचित लगे। जी पिताजी, इसके बारे में मास्टर जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। मास्टर जी से बहुत अच्छा, आज शाम को उनसे जाके मिलूँगा। अच्छी बात है। लो बेटा, सुनती हो, गोविंद अपने राकेश जी का बेटा है। अच्छा, तुम्हारा परिवार तो कभी गांव में रहा ही नहीं, बड़े भाई साहब तो फिर भी अपना परिवार लेकर आ जाते हैं। जी कभी कभी आते हूँ। गीता बेटी, अच्छा मैं निकल रहा हूँ।
मास्टर जी प्रणाम। जुग जुग जियो बेटा। नमस्ते। और बताओ कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। और बताओ कैसे आना हुआ? और ये साथ में कौन है? ये गोविंद है, इसी गांव का। शहर में हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। इसी गांव का? जी। गोविंद कहीं तुम राकेश के बेटे तो नहीं हो? जी मास्टर जी आपने बिल्कुल सही बताया। तुम्हारे दादाजी तो शहर चले गए, हवेली बिल्कुल सोनी पड़ी हुई है। दादाजी अक्सर आपके बारे में बताया करते थे। अब दादा दादी की उम्र भी हो रही थी, यहाँ कोई देखभाल के लिए था भी नहीं तो। और वैसे भी पापा और ताऊ जी बहुत पहले से दिल्ली में ही हैं, तो दादा दादी को वहीं बुला लिया। चलो ये तो ठीक ही किया बेटा। और तुम बताओ सत्या, तुम्हारे क्या विचार है? मास्टर जी मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई, जॉब के लिए मैंने कुछ एमएनसीज और बड़ी कंपनी में अप्लाई किया। जॉब होने के तो पूरे चांसेस हैं, लेकिन अब मैं यहीं गाँव में सेटल होना चाहता हूँ, यहीं गाँव के लोगों के साथ काम करना। सत्य प्रकाश उपाध्याय, साइंस का स्टूडेंट, बीटेक करके एमबीए किया, इंग्लैंड में फेलोशिप लेकर एक साल रिसर्च किया। क्यों, सही है ना मेरी जानकारी? जी मास्टर। अब तुम इतना पढ़ लिख कर इस गांव में रहोगे, इस गांव में रहकर काम करोगे, क्या तुम वाकई सीरियस हो? जी मास्टर जी सीरियस हूँ। आप ही के तो कहने पे मैंने बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक करी, कॉलेज गया तो वहाँ अच्छे बुरे की पहचान हो गई। बचपन से सपना था कि गांव में ही बसूं, इसलिए कोऑपरेटिव मैनेजमेंट लेकर एमबीए करी। अब यहीं गांव में ही कोऑपरेटिव फॉर्म करके गाँव वालों के साथ ही बिजनेस करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इसी में गांव वालों की तरक्की और भलाई, बाकी आप जैसा समझ। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सोचेंगे। इस वक्त बेटा मुझे किसी काम से बाहर जाना है, कल इत्मीनान से बातें करेंगे। अरे हम लोग तो यहीं खड़े खड़े ही शुरू हो गए। बेटा तुम लोग बैठो, मैं निकलता हूँ। अरे गीता, गीता बेटी देखो सत्य आया है। गीता को तुम जानते ही होंगे। गीता बेटी तुम इनके लिए जलपान का प्रबंध करो, मैं निकलता हूँ। नाइस प्लेस यार। आखिर गांव किसका है? मैं गीता, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। और क्या कर रही हो आजकल? यार मैं तेरे शहर तो नहीं गई, पर मैंने पत्राचार में एमए किया है और पिताजी के स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी लेती हूँ। अच्छा तो गीता मास्टर नहीं बन गई है। एनीवे ये मेरा दोस्त है गोविंद। हाय। पता है कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ता था और दिल्ली की किसी लड़की से भाग कर शादी कर ली। गांव वालों को तो बाद में पता चला। क्यों गोविंद भैया, सही कहा ना मैंने? सत्य कहे तुम भी गोविंद की तरह चुपके चुपके। गीता प्लीज कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ। अच्छा बाबा सॉरी। वैसे मैंने सुना है कि तुम गाँव में ही रहने वाले हो, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे गांव में क्या है जो शहर में नहीं, और शहर में ऐसा क्या है जो गांव में नहीं? गीता इसको समझाओ, तू वाकई में सीरियस है? ये यूं ही टाइम पास कर रहा है? सत्य प्रकाश उपाध्याय बीटेक एमबीए इंग्लैंड रिटर्न, तू ये गांव में रहेगा? इसको शायद इलाज की जरूरत है। तू तो चुप ही रहे, सब तेरी तरह नहीं होते निकम्मे। देख गोविंद तू अपनी जगह सही है, तुम्हारी सोच गलत नहीं है भाई। अब हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा। गीता मास्टर से कहना कि कल मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ और अपने प्लानिंग के बारे में बताऊंगा, और गांव वालों से कहना कि वो लोग आए तो अच्छा होगा। गांव के लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी, हम सब मिलकर गांव की भलाई के बारे में। पिछले 2 घंटे में सत्य प्रकाश ने आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सत्य गांव की भलाई के बारे में सोच रहा है। मैं चाहता हूं कि वो एक बार फिर से अपनी योजना को संक्षेप में बताए। आप सभी लोग ध्यान से सुने। शुक्रिया मास्टर जी। देखिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं शुरू की, कई सारी जिसके बारे में हम नहीं जानते कुछ भी नहीं। अब मैं आया हूँ, मैं सारी योजनाओं को सरकारी संस्था की मदद से शुरू करूँगा। और जहाँ तक बात रही इस गांव की,
इस गांव की आर्थिक स्थिति की, तो इस गांव की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम सहकारी संस्था यानी ग्रामीण कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर कई सारे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कई सारे गांव का हर सदस्य इस सोसाइटी का सदस्य होगा, वो यही काम करेंगे और इसमें होने वाले मुनाफे का वो बराबर के हकदार होंगे। इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना करी है, जो हमें 90% तक मदद कर सकती है। जरा सोचिए, जो काम हम सब गांव वाले कर रहे थे उसी को और भी बेहतर और मशीनों की मदद से और भी बेहतर किया जा सकता है। हमारी संस्था कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना व्यापार कर सकती है और इसमें होने वाले मुनाफे का आप सारा गांव आप सब इसके मालिक होंगे। और जहां तक बात रही इस गांव के बच्चों की, तो उन्हें अब नौकरी के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है, वो यही काम करेंगे और बाकायदा उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी, और क्या चाहिए उनको। लेकिन ये सब काम मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है, आप लोगों का साथ चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। चल सत्य, अब मैं निकलता हूँ, ट्रेन का वक्त भी हो रहा है। देखो गोविंद, हम सब नौजवान अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में हैं। बेशक हमें नौकरी मिलती है, अच्छी तनख्वाह, काम करने के लिए एसी वाला ऑफिस, पर ऑफिस जाने के लिए कार, बस क्या हमारी सोच ही खत्म हो जाती है? इस गांव के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या नहीं है इस गांव में? यहाँ मैन पावर है, रॉ मटेरियल है, सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं। अगर हम सब मिलजुल के मेहनत करें ना, तो शहर का सारी ऐशो आराम, सारी खुशियां खरीद सकते हैं। यहाँ भी एसी वाला कार और ऑफिस होगा। बस जरूरत हमें एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करने की, बाकी तुम जैसा समझो। आई फुली एग्री सत्या, मुझे समझ आ गया है। लेकिन दोस्त, अब मैं शादीशुदा हूँ, इस वक्त मेरे लिए नौकरी बहुत मायने रखती है, पर दिल्ली रहते हुए भी किसी भी तरह की सहायता, परमिशंस, मार्केटिंग, प्रमोशंस, जो भी मुझसे होगा मैं पक्का करूँगा। दूर रहते हुए भी मैं तेरे और अपने गाँव वालों के साथ रहूँगा। ऑल द बेस्ट, मुझे पूरा भरोसा तुझ पे। चलो तो मैं, ठीक है मास्टर जी, मैं चलता हूँ। ठीक है गोविंद बेटा, हो सके तो अगली बार बहू को भी साथ लेते आना। जी जरूर। थैंक्स मास्टर जी, आपके साथ देने से ये काम मुमकिन हो सका। मास्टर जी, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पास अभी लैपटॉप है और इंटरनेट भी, तो क्यों ना घर में ही ऑफिस बना लेते, इतने सारे काम करने हैं तो फटाफट काम शुरू करते। फटाफट क्या, कल से ही शुरुआत करते हैं। हाँ तो कल 10 बजे